हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अमाराइट ग्रीष्मकालीन परियोजना। ये परियोजना आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अंक आपका जो वार्षिक परीक्षा होगा उसमें जोड़ा जाएगा, तो इसलिए इस ग्रीष्मकालीन परियोजना अमाराइट को आपको बहुत ही अच्छे सुंदर आकर्षक ढंग से बनाना है और पूरे प्रश्नों का उत्तर आपको लिखकर अपने विद्यालय में जमा करना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आपको किस प्रकार से दिखना है। यहाँ पास आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पर प्रश्न है, भारत में खेले जाने वाले खेलों के नाम की जानकारी देवें। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप इस प्रकार से कॉलम बना लीजिए, खेलों के नाम लिखिए और खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है इसको लिखना है। तो देखिए पहले नंबर पर आएगा बैडमिंटन, जिसमें दो खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है, पोलो चार खिलाड़ी, फुटबॉल 11, चेस दो, टेनिस एक या दो, खो खो 9, टेबल टेनिस एक या दो, वाटर पोलो 7, कबड्डी इसके लिए भी 7 खिलाड़ी की आवश्यकता होती है, हॉकी 11, क्रिकेट 11, बेसबॉल के लिए 9 खिलाड़ी की आवश्यकता होती है, जिम्नास्टिक 8, वॉलीबॉल 6। तो ये आपके पास पहले प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट आपकी कक्षा से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो मिलती रहे और इस वर्ष पूरे वर्ष आपको परियोजना असाइनमेंट मिलेगा ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। तो उसके लिए पूरे परियोजनाओं के उत्तर और असाइनमेंट के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपके क्लास से संबंधित जो भी वीडियो अपडेट करी जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये वीडियो आप लोगों के हेल्प के लिए बनाई जा रही है, तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और इसकी जानकारी सभी तक पहुँचाइए। बहुत ही आकर्षक तरीके से आपको लिखना है। देखिए दूसरा प्रश्न है आपके पास, छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम एवं महीना लिखिए। तो सबसे पहले नंबर पर ऐसे ही आप पहले कॉलम बनाइए, फिर क्रमांक त्योहारों के नाम और महीनों के नाम लिखना है आपको। पहले नंबर पर हरेली कब मनाया जाता है, सावन अमावस्या में, फिर नाग पंचमी सावन, शुक्ल पक्ष पंचमी, रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा, भोजली भादो, कृष्ण पक्ष प्रथम हल्स छठी और कृष्ण पक्ष 6 भादो, जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष 8 भादो, पोलो अमावस्या भादो, हरतालिका यानी तीजा भादो शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी भादो शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, छेरछेरा पौष पूर्णिमा में मनाया जाता है और ईद उल फितर चांद के प्रथम दिवस। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर तीसरा है, वीडियो को पॉज करके आप इसे अच्छी तरह से लिख लें। भारत के राज्यों एवं राजधानी का नाम हिंदी और अंग्रेजी में लिखना है। तो यहाँ से आप लिखेंगे क्रमांक राज्य का नाम हिंदी में, राज्य का नाम अंग्रेजी में, राजधानी का नाम हिंदी में और राजधानी का नाम यहाँ पास अंग्रेजी में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती होगा, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, असम का दिसपुर, बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल त्रिवेंद्रपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलांग, मिजोरम एजवाल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल कोलकाता, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक,
तमिलनाडु, चेन्नई, तेलंगाना, हैदराबाद, त्रिपुरा, अगरतला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उत्तराखंड, देहरादून। तो ये 28 राज्य के आप पूरा नाम लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आप ज्वलनशील पदार्थों की सूची तैयार करें। ज्वलनशील पदार्थों की सूची तैयार करें और कृत्रिम या फिर प्राकृतिक। सबसे पहले बारूद। बारूद क्या है? आर्टिफिशियल है यानी कृत्रिम है। पेट्रोल प्राकृतिक नेचुरल है। मिट्टी तेल ये भी एक नेचुरल है। और प्लास्टिक ये आर्टिफिशियल कृत्रिम है। लकड़ी प्राकृतिक है। कागज कृत्रिम है। और इस प्रकार कपड़ा कृत्रिम है। घास फूस प्राकृतिक। एलपीजी गैस प्राकृतिक। कोयला प्राकृतिक। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा के 10 मुहावरे एवं उसका अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। छत्तीसगढ़ी मुहावरे फिर अर्थ लिखेंगे आप, उसका प्रयोग भी करना है। सबसे पहला है दांत निपोरना, ठीक है, यानी लज्जित होना। वाक्यों में प्रयोग इसका लिखेंगे आप। सोहन के देख के राकेश दांत निपोरते रहे। फिर दूसरा है चाउर छींचना, तो जादू करना, उसका प्रयोग होगा। राहुल ह ऐसा चाउर सिचीस की सबो मुहागे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। अगला अगर देखें, टीढ़ी बीढ़ी होना यानी नष्ट होना, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि लड़की के चक्कर माँ सब टीढ़ी बीढ़ी हो गए लागते, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको पूरे यहाँ पास छत्तीसगढ़ी मुहावरा अर्थ और उसका प्रयोग लिख देना है। तो 10 के 10 आपको पूरा कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अपने घर के रसोई में उपयोग होने वाले बर्तनों के नाम लिखिए। तो आप अपने रसोई घर में जाइए, वहाँ देखिए क्या क्या बर्तन है, बर्तन के नाम और उसका उपयोग क्या है, उसको आप लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो सारे रसोई के जितने बर्तन हैं उनका नाम लिखा हुआ है और उसका उपयोग लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, अपने आसपास के विभिन्न आकृति को देखकर नापकर आकृति बनाइए। टेबल कूलर आकृति का नाम हो गया। आकृति का स्वरूप कैसा होगा? तो टेबल आपने देखा है आयताकार होता है या फिर चतुर्भुज आकार का होता है, और उसकी आकृति का क्षेत्रफल आप किसी भी टेबल को नाप लीजिए, ठीक है, या कूलर को नाप लीजिए बड़े वाले स्केल से, या मीटर स्केल होता है जो, ठीक है, इंची टेप, उससे आप नाप से आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से उसका वर्ग मीटर भी आप लिख दीजिएगा नाप कर। अगला प्रश्न देखे देखिए, इसमें दिया हुआ है प्रश्न कि आपके गांव व शहर में पाए जाने वाले वाहनों के नाम उनके चक्कों के आकार अनुसार लिखें। तो देखिए, हमारे गांव शहर में किस प्रकार के वाहन दिखाई देते हैं? वाहन का नाम साइकिल है, ऑटो रिक्शा है, कार, डंप ट्रक यानी जो ट्रक है, और फिर डंप करने वाला ट्रक और एक ट्रक, ठीक है, सामान ढोने वाला। तो चक्कों की संख्या कितनी है? साइकिल के लिए देखें तो 2, ऑटो रिक्शा 3, कार 4 और डंप ट्रक 6, और जो ट्रक होता है वो 10 चक्के का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार अब अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पास आपको नेक्स्ट अगला प्रश्न भी मिलेगा। अब अगला प्रश्न है 9वां, अपने गांव व शहर का नक्शा बनाकर शाला, मंदिर, पंचायत, सामुदायिक भवन, तालाब, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क, चौराहा, बाजार आदि को दर्शाइए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, आंगनबाड़ी कहाँ है, फिर स्वास्थ्य केंद्र, सड़क, चौराहा ये कहाँ है, ये आप पूरा सभी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आप अपने गांव का नक्शा बनाइएगा, ठीक है, और आपके गांव के में जितने भी कार्यालय यानी जो पंचायत हैं, प्राथमिक शाला हैं, ठीक है, उसको आपको लिख देना है यहाँ से। और अब आगे देखिए,
तो इस प्रकार आप सभी प्रश्नों को यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के वीडियो में पूरे 9 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं और जल्द ही, बहुत जल्द ही आपको इसका दूसरा पार्ट भी हम आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिए और साथ में आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, ठीक है। और आपको किस प्रश्न में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं वह भी आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और भी आपको हमारे चैनल पर सभी कक्षाओं के आमाराइट परियोजना के उत्तर मिल जाएंगे, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और बेस्ट ऑफ लक।